हेलो फ्रेंड्स, मैं सरल सात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। डोसा किसको पसंद नहीं होता है, और जब बात हो एक हेल्दी डोसे की, आपने रवा डोसा तो बहुत खाया होगा। बट रवा डोसा बहुत जल्दी तो बनता है, बट उसमें एक होता है अनहेल्दी इंग्रेडिएंट जो कि है मैदा। यहाँ मैंने मैदा को एक हेल्दी इंग्रेडिएंट से रिप्लेस किया है। अगर आप मेरी इस टेस्टी हेल्दी एंड क्विक रेसिपी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम न्यू रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं इस हेल्दी डोसे को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने लिया है 1 कप ओट्स, चावल का आटा जो कि है 1/2 कप, 1/4 कप सूजी क्योंकि हम बना रहे हैं रवा डोसा, तो बिना कड़ी पत्ता, धनिया, जीरा, नमक और काली मिर्च। सबसे पहले हम ओट्स को थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे। बच्चों को अगर आप बोलेंगे कि आप ओट्स की कोई रेसिपी बना रहे हैं या ओट्स का कोई नाश्ता बना रहे हैं तो उनका नाक मुंह बन जाता है, तो आप प्रेफर करें उन्हें ना बताएं और सीक्रेट इंग्रेडिएंट से उनको एक यमी सा डोसा बना के दें। वो खुद भी नहीं जान पाएंगे कि अच्छा ये ओट्स से बना हुआ है, तो मम्मा भी खुश और बच्चे भी खुश। तो इसको हम बिना घी बिना तेल के इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। आजकल हम सभी चाहते हैं जब भी हमारा मन करे बस तभी हमें वो चीज़ मिल जाए, तो ये रवा डोसा बहुत ही जब आपका मन करे आप तभी इसको बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरनाइट फर्मेंटेशन या इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हल्की हल्की सुगंध आने लग गई है ओट्स की। इसको आपको लगातार चलाना है, अगर आपने छोड़ दिया तो ये जल जाएगा। देखिए ओट्स का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम करेंगे गैस की फ्लेम को ऑफ और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि अब हम इसको मिक्सर में पीसना है। इसको आप प्रेफर करें कि आप किसी प्लेट में निकाल लें जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अब आप देख सकते हैं हमारे ये ओट्स, जो हमारे ये ओट्स हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं। तो अब हम इसको ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। इसका हम एक फाइन पाउडर बना लेते हैं। ये हमारा फाइन पाउडर बन गया, इसको हम डालेंगे बाउल में। इसमें जाएगा हमारा 1/2 कप चावल का आटा, सूजी, 1/4 कप जीरा, काली मिर्च जो कि मैंने खलड़ में क्रश कर ली है, हरा धनिया, हरी मिर्च, करी लीव्स को आप थोड़ा सा चॉप कर लें और फिर डालें करी लीव्स, और डालेंगे हम नमक। अब हम पानी डालते हुए सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हम बना रहे हैं रवा डोसा, तो जो बैटर है वो थोड़ा वाटरी होता है और अभी हमें इसको रेस्ट भी करना है करीब 1/2 से 1.25 घंटे के लिए, तो जिससे कि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे आप सूजी किसी भी टाइप की ले सकते हैं, मोटी पतली जैसी आपके पास अवेलेबल हो। कंसिस्टेंसी हम इसकी बाद में भी ठीक कर सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि सारी ही चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसमें कोई लम्स ना हो। अभी हमारा ये काफ़ी थिक है, अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करेंगे। हम इसको ढक करके रेस्ट करेंगे कभी करीब 1/2 घंटे। चलिए 1/2 घंटा हो गया है बैटर को रेस्ट करते हुए, देखते हैं। देखिए हमारा बैटर इस टाइम पे आप देख सकते हैं आपको कंसिस्टेंसी ठीक है कि नहीं है, वरना आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। हम पहला डोसा डाल के देखेंगे, अगर हमें लगेगा कि ये गाढ़ा है तो हम पानी डाल सकते हैं। इसको मैं साइड रखूँगी, हम तवे को गर्म करेंगे। यहाँ पे अगर हम जो भी तवा यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लोहे का है चाहे नॉन स्टिक है, लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि वो तवा बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, उसमें गड्ढा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्लैट है, होगा क्या अगर उस तवे में गड्ढा होगा तो पूरा का पूरा जो बैटर है हमारा वो बहुत ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का है, तो वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा, एक सा वो एक साथ नहीं बैठेगा आपका जो डोसा है, कहीं से मोटा कहीं से पतला होगा। तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि हमारा जो तवा है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल जो हम दाल और चावल का डोसा बनाते हैं उसको उसका बैटर बहुत टाइट होता है, उसको तो हम कलछी से या स्पैचुला से फैलाते हैं, इसलिए उसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती है। बट यहाँ पे हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तवा हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। आप थोड़ा सा ऑयल लेकर के इसको अच्छे से बिल्कुल
खोलता हुआ गर्म होना चाहिए हमारा एक बार तवा, और इसको अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए टिश्यू से। आप डोसे को सेकते वक्त ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं या घी का, मैं घी प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसका अरोमा, उसकी सुगंध बहुत ही अच्छी रहती है। यहाँ पे मैंने कलछी बड़ी ली है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक ही बार में इसको, और इसको थोड़ा बिखेरते हुए बैटर को डालना है। मैं आपको दिखाती हूँ, स्प्लटर करेगा बैटर, फुल है हमारा, ये देखिए ऐसे करके डालना है आपको। फिर से चलाना है इसको, और जहाँ जहाँ रह गया है वहाँ पे हमें इसको डालना है। देखिए बिल्कुल लग रहा है ना जैसे बाजार में बनता है। पहले हम इसको फुल फ्लेम पे सेकेंगे, कहीं कहीं पे हम इसमें घी या फिर ऑयल, आप कुछ भी डाल सकते हैं, डालेंगे, बीच में भी डालेंगे। और अब हम फ्लेम को सिम कर देंगे और इसको करीब 1 से 1.5 मिनट तक क्रिस्प होने तक सिकने देंगे। आपको इन होल्स से पता चल जाएगा कि आपकी बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा होल्स विजिबल नहीं होते हैं, इसका मतलब आपका बैटर बहुत थिक है, और स्प्लटर नहीं हो रहा है अगर बैटर, तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और जब भी आप बैटर डालें तवे के ऊपर, तब आप मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से हिला लें बैटर को और फिर डालें, क्योंकि होगा क्या, जो भी मटेरियल है वो नीचे बैठ जाएगा क्योंकि वो हैवी है, और पानी ऊपर फ्लोट करेगा। बहुत ही हेल्दी है ये डोसा, बहुत जल्दी बन जाता है। आप इसको चटनी, सांभर, कोई फिलिंग आलू की या वेजिटेबल्स की, आप किसी के भी साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी साइड्स पे से कितना क्रिस्प हो रहा है ये। अब हम इसको वुडन स्पैचुला की मदद से, देखिए कितना इजीली ये निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से निकाल के रखा है और मैं अब आपको रीप्ले करके उसको दिखा रही हूँ। देखिए कितना ईजिली ये निकल रहा है, बस एक तरफ से आपको निकालना है। देखिए जैसे जैसे ये सिकता जाएगा वैसे वैसे ही इजिली निकल जाएगा। देखिए कितना क्रिस्पी बना है, गोल्डन ब्राउन। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है हेल्दी डोसे की, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप मुझे बताइएगा आपने इस डोसे को किस फिलिंग के साथ खाया, या फिर मेरी तरह प्लेन सांभर और चटनी के साथ।